नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज़। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ब्रिक्स के सहारे पुतिन ने चली ऐसी चाल, अमेरिका हो जाएगा बेहाल। आज सी चिनफिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स देशों के बुधवार को रूस के कजान शहर में होने वाले शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत और चीन की तरफ से शुरू किए गए इस संगठन का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण आयोजन साबित हो सकता है। पिछले वर्ष 5 नए देशों के इस संगठन में शामिल होने के बाद पहली बार न सिर्फ इस सम्मेलन में 10 देश पूर्ण सदस्य के तौर पर हिस्सा लेंगे, बल्कि विशेष तौर पर आमंत्रित तकरीबन 3 दर्जन और देश के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इन देशों के प्रमुख पहुंचे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान जैसे वैश्विक नेता कजान पहुंच चुके हैं। इसमें इस संगठन के नए युग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका व यूरोपीय देशों के निशाने पर रहने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस आयोजन के जरिए वैश्विक मंच पर अपना संदेश देने पर कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। ऐसे में बुधवार देर शाम ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी होने वाले कजान घोषणा पत्र पर हर देश की नजर होगी। 40 देशों से मिला सदस्य बनने का प्रस्ताव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि करीबन 40 देशों की तरफ से उनका सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला है। इसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, कांगो, बहरीन, कोलंबिया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, मोरक्को, म्यांमार, फिलिस्तीन, सीरिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे ग्लोबल साउथ के देश हैं। सोच विचार कर फैसले ले भारत। जानकारों का कहना है कि इनमें से 36 देश के प्रमुख को कजान बुलाकर राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका व पश्चिम देशों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन विवाद को लेकर उन पर दबाव बनाने की रणनीति काम नहीं कर रही। कजान में ब्रिक्स के नए सदस्य बनने के तौर तरीके पर भी फैसला होने की संभावना है। शुरुआती वार्ता में भारत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस बारे में भी काफी सोच विचार कर फैसला होना चाहिए। इसी तरह शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन को लेकर क्या घोषणा होती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए फिलिस्तीन को आमंत्रित किया है और फिलिस्तीन को अगले देश का दर्जा देने की मांग दोहराई है। भारत भी इसराइल के साथ ही एक संपूर्ण स्वतंत्रता वाले फिलिस्तीन देश की स्थापना की मांग का समर्थन करता रहा है। भारत के लिए वैश्विक आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको वह अभी तक हर घोषणा पत्र में शामिल करता रहा है। भारतीय दल की अभी भी कोशिश है कि कजान घोषणा पत्र में सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।